Vaat jou. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيضاً الكرامي، میں ابتداءً چند باتیں آپ سے کہہ لوں. ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو عالم اسلام کے لیے ہمیشہ ایک احسان کرنے والی شخصیت کے طور پر یاد کی جائے گی. محسن اسلام، میں شروع ہی سے ان کے بارے میں، آپ کے بارے میں کچھ عرض کرتا، چند باتیں ہیں. آج پوری دنیا میں ذکر ہو رہا ہے، یہ لمحہ بھی قابل غور و فکر ہے. بہت اشارتاً کہوں گا، اس لیے کہ میں ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا کہ مجالس میں ہم یہ فائدہ اٹھائیں کہ سامنے والا کچھ کہہ بھی نہ سکے اور ہم کہہ لے جائیں، نہیں اچھا لگتا. بات وہ کہیں کہ جس پر سامنے والا تو سن رہا ہو، جہاں بھی سن رہا ہو وہ اس پر کچھ بات کر سکے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہم نمایاں کریں گے ابھی ایک جملے سے، اور آپ لوگ اسے محسوس کریں گے، اور جہاں بھی میری آواز جا رہی ہو، میں نے محسن اسلام کہا. اسلام پر احسان کرنے والی شخصیت، عزیزان گرامی، مجمع کم ہے، سردی کا احساس ہوگا، اور اس وقت پورے شہر میں مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر مجالس ہو رہی ہیں. کل یہی وقت میں بہت محترم شخصیت جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے حسینیہ قائمہ میں مجالس ہو رہی ہیں، کل میں وہاں پڑھ رہا تھا، پرسوں آن لائن گھر پر ایک مجلس میں خطاب کر رہا تھا، کل جامع ناظیہ میں خطاب ہوگا، اور اس وقت بھی تمام شہر میں مجالس ہو رہی ہے. یہاں ان مجالس کا منعقد ہونا مصلحتاً کیا گیا تھا، یہاں کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی اس تاریخ میں، ان تاریخوں میں یہاں کوئی مجلس نہیں تھی. یہاں ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام آغا مہدی مہدوی پور، زیادہ فضل ہو، جب میرے گھر پر تشریف لائے، انہوں نے آ کر مشورتاً، کافی مدت کی پہلے جن کا وہ تشریف لائے، انہوں نے چاہا کہ ہم ان مجالس کا انعقاد کریں، خود
हज़रत आयतुल्लाह क़ैस सैयद अली ख़ामेनई दामाज़िल्लो की तरफ से। आइए जरा जाए आप लोग। उस बुजुर्ग शख्सियत की तरफ से, उन बुजुर्गवार की तरफ से ये मजालिस यहाँ कायम की जाए वो चाहते हैं। इस बात को जब मुझसे हज़रत हुज्जतुल्लाह आगे मेहदी मदवी पूर ने मशवरतन हमारे घर पर तशरीफ लाए थे, उन्होंने इज्जत बख्शी, तो उस वक्त हमने आपस में बहुत मशवरत के बाद ये तय किया ये मजालिस यहाँ हो सिपतनाबाद में, क्योंकि उस अतराफ लखनऊ में हर जगह बड़े बड़े एहतमाम हैं मजालिस के। और ये भी मैं कह दूं कि बहुत से अफराद के जहन में रहता है कि नहीं, इधर चंद साल से इन मजालिस को ज़्यादा एहतमाम के साथ किया जाने लगा, ये गलत है। मैंने पहली मजलिस में भी यहाँ इस बात को कहा था, अगर कोई ये कहता है कि हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में इन दिनों में मजालिस या इस आज़ादारी का एहतमाम नहीं होता था और अब शुरू हुआ, तो ये गलत है। सही बात कहने की जरूरत इस मेंबर से होना चाहिए। इस मेंबर पर जब हम आए तो याद रखो चारदा मासूमीन के सिवा किसी की खुशामद का जज्बा लेके मत आओ। जब यहां से हक कहने की आदत डालोगे तो वहां भी हक कह सकोगे, अगर यही हमने हक छिपा दिया तो वहां क्या बयान करेंगे। सलावत मोहम्मद सर, शायद शायद मेरी ये, और मैं एक बात सबूत के तौर पर कहता हूँ, जब पहली मुलाकात हमारी खुद हजरत आयतुल्लाह उज़्मा जनाब सैयद अली ख़ामेनई दामाज़िल्लो उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनको सेहत याब रखे, हर तरह उन्हें शिफा याब रखे और उनकी सरपरस्ती में सारी दुनिया में जो मिल्लत और कौम के काम हो रहे हैं वो हों, उसकी दुआ करें। आप सब एक सलावत भेजें, लेकिन यह खुशामद इसलिए नहीं है कि हमने उनकी बातों को सुनकर आपसे बात नहीं कह रहे हैं, बिल मुशाफिया आमने सामने बैठकर बात हुई थी। वो चंद मुझे यहां बयान कर दूं इन मजालिस की मुनासिबत से, दिल्ली में हजरत आगा ख़ामेनई रहबर मुअज़्ज़म उन्होंने मुझको एयरपोर्ट से बुलवाया। मैं एयरपोर्ट से लखनऊ से ज़माने डायरेक्ट फ्लाइट मुंबई की नहीं थी, दिल्ली होकर मुंबई थी। मैं दिल्ली शाम का वक्त था, यही वक्त था तकरीबन, मुंबई जा रहा हूँ, काउंटर पर खड़ा हूँ, टिकट ये और वो होने वाला है। दो तीन दानिश जू उनमें से एक का नाम लेता हूँ, मोहम्मद अली बिमानी, अगर ये मेरी आवाज़ कहीं वो दुनिया में पहुँच जाए तो मेरी तमन्ना है मुझसे फिर मिलें। वो एयरपोर्ट पर थे, कुछ और तलबा के साथ आ गए जो ईरानी तलबा थे, उन्होंने कहा कि आप मौलाना हमीदुल हसन जी, आप हमको कुछ लफ्ज़े कुछ वक्त दे सकते हैं, फरमाइए। उन्होंने आगा के बारे में कहा कि सुबह उनसे मिलने सब लोग गए थे, नौगावा अमरोहा मेरठ तमाम उलमा वहाँ से मिलने दिल्ली गए उनसे, वो लखनऊ नहीं आ सके, क्या आप उनसे मिलने चलेंगे? मैंने कहा मेरी फ्लाइट ये वो, कहा नहीं अभी टिकट आपने बुक तो नहीं किया, मैंने कहा नहीं किया है, क्या तो रुक जाइए ये दूसरा टिकट आप सुबह कर लीजिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी है, चल सकते हैं? मुझे नहीं मालूम उन्हें कैसे खबर हुई, हम तैयार हुए बाहर निकले गाड़ी खड़ी गए, तकरीबन डेढ़ दो घंटे हम लोग साथ रहे।
उन्होंने बड़ी मोहब्बत और बड़े अहतमाम से खाने का अहतमाम भी किया सिफारत खाने में। इनकलाब इस्लामी के आखिरी पहले सफ़ीर और शहनशाही के आखिरी सफ़ीर का नाम है आगा मुजतहदी, वो सफ़ीर वहाँ थे, नाम ले रहा हूँ, कहीं भी ईरान में होंगे सब। आगा मुजतहदी शहनशाही के दौर के आखिरी सफ़ीर थे, लेकिन इनकलाब इस्लामी के भी पहले, इतने मोहतरम थे वो। खाने पर सिर्फ हम तीन आदमी थे, आगा थे, मैं था और आगा मुजतहदी थे। मैं इसलिए इस बात को याद दिला रहा हूँ, वहाँ हमारी कुछ बातें हुई, एक घंटा डेढ़ घंटे बातें हुई। मैंने दो तीन जगहों पर उनसे ये चाहा कि ये बात यूं नहीं होना चाहिए, बहुत वाज़े लफ्ज़ों में मैंने कहा नहीं, ये बात यूं नहीं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। अब मैं उसकी तफसील में जाऊँ तो बहुत वक्त आपका सर्फ होगा। उन्होंने हमारी दो या तीन बातें सब मंजूर की जो मैंने कहा। और जब सुबह एयरपोर्ट पर मैं था, पहले यहाँ पर इतनी बात तमाम कर लूँ, फिर ऊपर से नीचे जब वापस आए तो मैंने पलट कर देखा तो देखा वो नीचे तक छोड़ने आए थे, ऊपर की मंजिल से सिफारत खाने में हमको नीचे तक छोड़ने के लिए आए। तीनों बातें मंजूर की। उस वक्त हमारे जहन में ये बात पैदा हुई कि ये शख्सियत के जो सारी दुनिया में अपनी तकरीरों के ज़रिए, अपने खिताब के ज़रिए, अपने खुतबात के ज़रिए से इमाम जुमा और जमात की हैसियत से तेहरान में सारी दुनिया में एक शोहरत रखते हैं, बहुत दानिश्वर हैं, बहुत मुफक्किर हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन मुझ जैसे एक शख्स की तीनों बातों को इन्होंने मंजूर कर लिया। इसका मकसद ये कि इनके नफ्स में कोई तकब्बुर, कोई गुरूर, कोई बड़ाई नहीं है, बल्कि अगर सही बात सामने आएगी तो कबूल करेंगे, कोई सही बात कहेगा तो उसको कबूल करेंगे। और सुबह जब मैं एयरपोर्ट पर था तो मुझे नहीं मालूम था वो भी एयरपोर्ट पर है। कुछ लोग दौड़ा हुआ आया, उसने कहा कि आगा आपको बुला रहे। मैंने कहा है, उनका दूसरे कमरे में गया, उठे, गले लगाया, उसके बाद ये कहा अब हम ईरान में मिलेंगे। और फिर ईरान से मुझे खबर मिली कि ईरान पहुँच कर उन्होंने जुमला कहा, मैं हिंदुस्तान गया था और मैं चाहता था कि हिंदुस्तानी मौलवी से मिलूं। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे हिंदुस्तानी मौलवी समझा। सलावत भेजे मौलाना। क्योंकि हमने उनसे यहीं से गुफ्तगू शुरू की थी, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, इसी खाक में पैदा हुआ हूँ, इसी खाक में मिल जाना है, और मैं जो बात भी आपसे करूँगा उसमें पहले मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, बाद में दूसरी बात है। यहाँ से मेरी बात शुरू, मैं ये रिकॉर्ड हो रहा है सब इसलिए बात कर रहा हूँ, इसमें एक लफ्ज़ इधर गए नहीं है। और फिर जब हम ईरान गए, हमारे अजीज़ दोस्त मरहूम जो हो चुके मौलाना करबी सादिक साहब, वो भी हैं, दूसरे में अजीज़ दोस्त हैदराबाद के आगा रजा साहब, वो भी अब नहीं है, मौलाना महमूद हसन खान, वो भी अब नहीं है, बहुत से लोग नहीं हैं। हम सब 12-13 लोग उनसे मिले, सब की नुमाइंदगी मेरे हवाले की गई और मैंने एक तहरीर उनके सामने पेश की हिंदुस्तान के मामलात पर। वो उन्होंने करीब बैठे हुए जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छे हमारे मोहब्बत करने वालों में थे, हजरत आयतुल्लाह मोहम्मद अली शेख मोहम्मद अली तस्करी, उन्होंने उनके हवाले वो तहरीर की और ये कहा इसको बादल बमा भी दे, दो मरतबा फरमाया। वो मुझसे कहा जो तुमने लिखा तो हम नज़र करेंगे, ज़रूर गौर करेंगे। कोई खुशामद उस तहरीर में नहीं थी, सिर्फ इतना था, इस मजमे को गवाह बना के कह रहा हूँ, सिर्फ इतना था, हिंदुस्तान में 12-15 मनारे नूर है, जो आप देखते हैं ना बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स होती हैं, उनकी रोशनी दूर तक जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में 12-15 मनारे नूर हैं, नूर के मनारे हैं जिनकी रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैलती है। ये 12-15 आपके बड़े पुराने दीनी मदरसे हैं, इन दीनी मदरसों को ताकतवर बनाइए, कौम खुद से ताकतवर बनेगी। ये वहां भी लिख कर दिया जिसके गवाह इस वक्त मैं फौरी तौर पर जो नाम याद आ रहा है मौलाना सफी हैदर साहब हैं मोहतमे में तजीबुल मकातिब, वो भी वहां है, उनके भी दस्तखत है इस पर, हमने पेश किया उनको। कहीं अपनी जात की बात हम नहीं करते हैं, जहां जाते हैं अपनी कौम की बात होती है, अपने मुल्क की बात होती है, और अलहमदुल्ला के वो इसको पसंद करते हैं।
कहीं भी ईरान का कोई मर्जा कोई आलिम आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला इराक और ईरान का कि जो उसको पसंद करे जो हमारे मुल्क से गद्दारी करता हो। हमारे मुल्क के सरबराहान मम्लकत को ये याद रखना चाहिए कि जिनसे हमारे राबिते होते हैं वो उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं हिंदुस्तानियों में जो हिंदुस्तान के भी वफादार हो। बड़े सलावत मोहम्मद, ऐसा नहीं है। और इतना कह दूं कि हमारी सरिश्त में हमारे खमीर में बेवफाई और गद्दारी इसलिए नहीं है कि हमने रसूल के घराने से वफादारी सीखी है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद सीखी है। देखिए आज भी हमारे गैरतदार लोग जानते हैं, क्यों नहीं आपको भरोसा उन पर है, बड़ा नाम इस्लाम का लेते हैं लेकिन उन पर आपको भरोसा क्यों नहीं है, इसलिए कि पहले वो इस्लाम के वफादार होते तो आपके भी साथी होते। जब रसूल के घराने का साथ न दे सके तो आपका साथ क्या देंगे। एक और सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेवफा कौम बेवफा लोग, एक जन्नतुल बकी सबसे बड़ा निशान है, हद फासिल है। इसको यह ना कहिए कि सबसे पहला मकबरा है मुस्लिमीन, ये मत कहिए, बल्कि सबसे पहली हद फासिल हक व बातिल की। अगर कोई जगह है तो खुद बकी है, बकी से पहचानते चले जाओ कौन रसूल के घराने के साथ है कौन अलग है। जो रसूल के घराने का साथी होगा वो इस्लाम के साथ होगा, जो उस घर से अलग जाएगा वो इस्लाम का साथ नहीं दे सकता, जो इस्लाम का साथ ना देगा उससे किसी को शिकवा क्या। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्या शिकवा करेगा, है क्या शिकवा। मैंने इसलिए याद दिलाया, लखनऊ जिसको आज जिन लफ्जों में भी याद किया जाए, मैं उसके लिए अपना फिक्रा पेश करता हूं। ये सब दिन क्या है, ये मजलिसें क्या है, एक फिक्रे में बहुत सिमटेगी बात, याद याद रखिएगा। बहुत सी सुर्खियां हैं इस पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त, लेकिन मैं जिस सुर्खी के साथ बात करूंगा वो ये है, याद अजाए फातिमा। ये याद रखिएगा, अज़ाए हज़रत फ़ातिमा, याद याद अज़ाए हज़रत फ़ातिमा, याद अज़ाए मासूमा। अज़ाए मासूमा नहीं, याद अज़ाए मासूमा। इसलिए कि मासूमा ने किसकी याद मनाई, जिस हज़ादारी को अपनी ज़िंदगी से आज तक हमें नसीहत की गई हो उस हज़ा को हम याद करते हैं। क्यों अज़ा बकी में जाके कौन आज़ादारी किसकी करता था। जब अहले मदीना परेशान होने लगे तो एक ही बात तो आई फरमाइश, तो हमारी आपकी शहजादी उस गोशे में चली जाती थी। वो अदा जो उसकी याद है, करबला कौन मेरे बच्चे पर रोएगा, उस अदा की याद है। इसलिए मैंने कहा याद है अज़ाए मासूमा, जिसकी आज़ादारी वो करती थी वही आज़ादारी हम भी करते हैं। हाँ, इस सिलसिले में उनको याद करना है। मसाइब अर्ज करूँगा कुछ आपके सामने, बहुत कुछ कहना था लेकिन मैंने इन बातों को इसलिए कहा कि आज लखनऊ बकी की नकल यहाँ है। खुद रोज़े फातिमैन लखनऊ में है, तारीख देखिए, बहुत कदीम
अब तो नया बन गया। आ जाइए इधर, आ जाइए। माशाल्लाह हजरात, और साथ साथ मोमिनीन के साथ साथ मोमिनात, मस्तूरात, काबिले एहतराम बहनें बेटियां मौजूद हैं, मेरी इस बात की गवाही देंगी वो भी, क्योंकि मैं इतने सिन से, मैं बहुत छोटा था, बिल्कुल कम सिन, जब मेरे वालिद हिरात से तालीम हासिल करके लखनऊ आ गए, हमारे जद सरकारी नजर मिल्लत हमें याद है, उस वक्त गलत तो नहीं है, इस मजमे में हर शख्स जानता होगा, किसी न किसी सिलसिले से कहीं ना कहीं आप आपका घर, आपके खानदान, आपके लोग मेरे सिन से भी करीब करीब अगर कोई हो तो आप तशरीफ फरमा है, मैं आपसे भी पूछता हूँ, बचपने में आपने कहीं ना कहीं मासूमा के की नस्बत से ताबूत को उठते हुए देखा कि नहीं देखा? आप सब ने देखा, कम से नहीं से शहजादी की गम में याद में मासूमा की याद में उनके ताबूत बरामद होते देखे कि नहीं? कहिए हाँ या नहीं, आप सब बताइए भाई, बहुत धीमी आवाज है, सब ने देखे। यह अदा मासूमा के सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में हर जगह होती चली जाती है, कोई ये ना समझे कि लखनऊ को सबक दिया जा रहा है अदाए मासूमा का, ये कोई ना समझे, मैं हमेशा इस सिलसिले में एहतजाज करता हूं, अदादारी जिस तरह है वैसे ही अदाए मासूमा। और फिर हम लोग पूरे हिंदुस्तान में, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में हम और तमाम अजा के मनाजिर पर और मजाहिर पर कम तवज्जो देकर मुहर्रम से इस मुतअल्लिक़ जो हमारी अदादारी है उसको इसलिए ज्यादा नुमाया करते हैं कि हम जानते हैं जिनका भी हम तस्करा करना चाहते हैं उन सब की ख्वाहिश ये थी ये ज्यादा करो, है कि नहीं? खुद हुजूर ने क्या फरमाया, जो मेरी कब्र की ज्यारत करे, मेरे नवासे हुसैन की कब्र की ज्यारत करे, अगर नवासे रसूल, रसूल से हुजूर फरमाते हैं, जो कब्र हुसैन की ज्यारत कर ले तो गोया कमन जारा, उसने मेरी कब्र को ज्यारत करी, कमन जारा नहीं, जिसने जैसे मुश्किल से मेरी ज्यारत करी। हर एक का आपको यही मकूला मिलेगा, खुद शहजादी के बारे में अभी नहीं कहूँगा, आपको मालूम है। तो इसलिए भी हमारे पास, लेकिन इसके बावजूद कोई तारीख विलादत और वफात की ऐसी नहीं है मासूमीन के सिलसिले में कि जो लखनऊ में न मनाई जाए, पूरे हिंदुस्तान में न मनाई जाए। हैदराबाद, हैदराबाद हम गए, मजलिसें पड़ी हैं, एक जमाने जब लखनऊ से हम बाहर भी जाया करते थे, यहाँ के हालात इजाज़त देते थे, जब से हालात दूसरे में हमने बंद कर दिया पूरी दुनिया में जाना, पहली से 10 मुहर्रम लखनऊ, चेलुम लखनऊ, 8 बीरवल लखनऊ, 19-20-21 रमजान लखनऊ, कभी बाहर नहीं गए, 50 साल हो गए। हाँ बीच में जाते थे, यही तारीख है जो आज जिसमें आपके सामने बैठे हैं, इसमें सब जगह चले जाते थे, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ वहाँ, कोई बंद किया, क्योंकि यहाँ आज़ादारी जिसके लिए तकरीबन 12 दफ़ा हम भी जेल गए, पहली दफ़ा जब जेल गए तो सर मौलाना मरहूम आकर शरीद बनाकर आबिद साहब मिला, वहाँ साद हुसैन साहब मिला, जनाब ताहिर जरवली साहब मिला, ये सब मरहूमी थे और हम थे, सब साथ में थे जेल आज़ादारी के लिए। ये ज़िन्नन मैंने आपसे कह दिया, बात इतनी है अपने मजमे के सामने दोहराने के लिए कि जहाँ तक भी हमारा इम्कान था अज़ाए इमाम हुसैन पर कोई हक पाने ना पाए, इसके बारे में कोई किसी की जरूरत ना हो, और आज अल्लाह का शुक्र है कि 12.5 साल लड़े इस आज़ादारी की बका के लिए,
और आज सबकी नजरें नीची हैं जो चाहते थे आजादारी इतना हो। जब मुआहदा लिखवाया गया पहला मुआहदा, बड़ी गलत फहमी की बातें पेश की जाती है इस पर, हमने फुला दे दी बात, फुला बात गलत है, झूठ है। सिर्फ इतना लिखवाया गया, हम लोगों को पहले मुआहदे में 5 दिन जुलूस आए अजा के दिए जाते, ये भी सुन लीजिए आप, 5 दिन जुलूस आए अजा के दिए जाते हैं। दस्तखत नीचे किसके थे? हम लोग तो थे ही, उनके दस्तखत थे जो हमेशा आज़ादारी को बिदअत कहते थे। पूरी दुनिया के शियों की जीत थी इस बात पर कि आज़ादारी को बिदअत कहने वाले ने दस्तखत किए नीचे कि 5 दिन शियों को आज़ादारी के दिए जाते हैं। उन्हें क्या मिला? एक जुलूस जिसका नाम वो खुद रखें, यह है पहला मुआहदा। 5 का मुआहदा, 5 जुलूसों का, ये 5 का जब 9 बदला दूसरे साल, उसमें भी हमें मेहनत की, कोशिश की, 9 जुलूसों का, उसमें फिर उसी की तकरार की गई, लेकिन हर मौके पर इसकी कोशिश रही पूरे इत्तेहाद इत्तेफाक से इन मुआहदों में। मैं एक बात और भी कह दूं यहाँ आपसे, आज पहली बार मेंबर से कह रहा हूँ, इन मुआहदों पर जिन लोगों के सरे फेरिस दस्तखत है, सबसे पहले बेशक मेरे दस्तखत है, मुकाबले में अहले सुन्नत हज़रात के दस्तखत है, फिर हम लोगों में जिन लोगों के पहले दस्तखत है, मैं हूँ, मेरे बाद मौलाना आगा रूही साहब के दस्तखत है, फिर उसका जनाब करवीर जवाद साहब के दस्तखत है, फिर और लोगों के हैं। पहला मुआहदा सन 98-99 का, लेकिन ये बात कर लूँ मेरा, 4-6 महीने नहीं गुजरे थे, मुआहदा हुआ तकरीबन मुहर्रम से करीब, मुहर्रम, सफर, रबी अव्वल, रबी सादी, जवादी, रजब, सिर्फ 7 महीने के बाद 22 रजब मेरे घर पर मेरे दोस्त हैं मरहूम खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा अहमद अतहर साहब, मेरे अजीज तरीन दोस्त हकीम उम्मत मौलाना डॉक्टर कलब सादिक साहब 22 रजब की नज़र चखने दोनों आए। जब आए तो मैंने उनसे कहा, आप लोगों का ये वायदा था कि जो हम लोग तय करें उसमें आप साथ हैं, आप लोग तो नहीं थे मुआहदे के वक्त, तो दोनों ने कहा हम अभी साथ हैं। हमने कहा कि आप लिख के दीजिए, यहां ऐलान कर रहा हूं दोनों के दस्तखती तहरीर मेरे पास मौजूद है कि जो मुआहदा हुआ है उसमें आप पूरी तरह साथ में हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, जिसका जब दिल चाहे ये तहरीर भी हो वो तहरीर मुझसे ले सकते हैं। आइए, ये दिन मासूमा शहजादी हम याद मनाते हैं, इसलिए याद मनाते हैं, एक हदीस पेश करता हूँ जिस पूरी तकरीर की एक पूरी नुमाइंदगी कर देगी, एक हदीस। इब्नती फातिमा, इरशाद रसूल है, इब्नती फातिमा, रसूल फरमा रहे हैं यह मजमा क्यों ना तासी करे, मेरी बेटी फातिमा, इतना फरमाने के बाद अब क्या है, मा तका मलत नबुवा ले नबी इल्ला वकद अकर्रा बे फजलहा व मोहब्बतहा। हज़रात उलमा तो समझ गए, मोमिनी की तर्जमा कर दूँ, हुज़ूर फरमा रहे मेरी बेटी फातिमा किसी नबी की नबूवत कामिल नहीं हो सकती थी जब तक के वो फातिमा की मोहब्बत और फजल का इकरार न करे। बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ो मोहम्मद वाले। अच्छा, एक बात और कहूँ आपसे, बस सिर्फ यही मजलिस है भाई आपकी, एक बात और कहूँ, तमाम उलमाए इस्लाम से मैं अपने रुख से अपने अंदाज से बात कहूँगा आपसे मिलकर, पहले अक्सर बात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह
आपके अहतमाम, इस शदीद सर्दी में माशाल्लाह इतना बड़ा अहतमाम आपने किया है, इसकी जजा आपको मासूमा की बारगाह से मिलेगी। मैं ये एक बात कहूँगा अभी तमाम आलम इस्लाम से कहूँगा, ये बताइए नमाज वाजिब है? कहेंगे हाँ। रोज़ा वाजिब है? हाँ। हज वाजिब है अगर हो जाए इस्तेआत? हाँ। अगर निसाब पूरा हो जाए तो खुम्स और ज़कात वाजिब है? आखिरत पर यकीन वाजिब है? वहदानियत का इकरार वाजिब है? नबुवतों का इकरार वाजिब है? तवज्जो कीजिएगा आखिर तक जो मेरे दोस्त बैठे हैं, सुनिएगा। हर चीज़ का इकरार सारा आलम इस्लाम करेगा, अगर तौहीद का इकरार नहीं किया तो हम खारिज इस्लाम से, नबुवतों का इकरार नहीं किया तो खारिज इस्लाम से, माद और क़यामत का इकरार नहीं किया तो खारिज, मलाइका का इकरार नहीं तो हम दीन से अलग, जन्नत और जहन्नम का इकरार नहीं दीन से अलग। हर चीज़ का इकरार इनमें से अगर ज़रा नहीं किया तो दीन से अलग। नमाज वाजिब, रोज़ा वाजिब, हज वाजिब, खुम्स वाजिब, ज़कात वाजिब, इकरार मलाइका वाजिब, जन्नत और जहन्नम का इकरार वाजिब, क़यामत और माद का इकरार वाजिब, ये नहीं है तो दीन से अलग, दीन से खारिज। इतना पूछना चाहता हूं ये सब किसने बताया? किसने समझाया? सब मिलकर कहोगे हमारे हुजूर ने, रसूल ने, कुरान ने, वो ना होते तो ना मिलता। तो जिसने ये सब सिखलाया वो इन सब की एक उजरत मांगता है, इन सब की एक उजरत मांगता है। अजरन, हमने तुम्हें ये सब सिखाया, इसकी उजरत में मोहब्बत दे दो। अफसोस है, नमाज वाजिब, रोज़ा वाजिब, हज वाजिब, सब वाजिब, और इसकी उजरत वाजिब ना हो। सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर ये उजरत नहीं दी, सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ये उजरत न दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नमाज वाजिब। अरे भाई इमाम बाड़ा क्यों बना था? आप सब बैठे हो यहाँ, जिक्र हो यहाँ बैठ के माज अल्लाह बिला तरजीह को कव्वाली शुरू कर दे, सारा मजमा एहतजाज करेगा। ये क्या हो रहा है? जिसके लिए बना था उसको तो याद रखो। पूरा इस्लाम जिसके जरिए मिसल मिला उसने क्या कहा? कोई सवाल नहीं करता अपनी इस नबुव्वत के मुकाबिल, कार्य नबुव्वत के मुकाबिल, मेरे अहले बैत की मोहब्बत, ये सब वाजिब हो वो बस सुन के निकल जाए। मोहब्बत अहले बैत का ऐलान सुनकर निकल जाए। हमारे एक बुजुर्ग जिसकी बात मुझे याद आता है, जिसके नाम से याद आता है, मैं उसे बयान कर देता हूँ। साबिकीन में हमारे मसरूर वाइजीन के बहुत बड़े एक बुजुर्ग मुबल्लिग वाइज थे, बाद में उनका बड़ा नाम पूरी दुनिया में हुआ, इमाम जुमा जमात बम्बई में भी थे, हर जगह तो उनका बहुत बड़ा नाम, उनके बेटे आज दुनिया में बड़ा नाम किए हुए हैं, जनाब मौलाना वजीर हसन साहब का याद आ गया मुझे। मैं उनकी बात आपके सामने दोहरा के बयान को और मुख्तसर करूँ। उन्होंने इस बात को कहा, अगर कोई इंसान इंसान है, उसकी उंगली कट जाए, क्या वो इंसानियत से खारिज हो जाएगा? कोई कहेगा अब ये इंसान नहीं, इसकी उंगली कट गई, हाथ कट गया, खुदा खास्ता। कोई कहेगा ये इंसान नहीं रह गया, हाथ नहीं इसका, आंखें नहीं रह गई, आप कहेंगे ये इंसान नहीं है? हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक जिस्म में रूह है, उनका कौल है, जब तक जिस्म में रूह है वो इंसान है, कुछ भी आजा कटते चले जाए। तो उन्होंने कहा यूं ही याद रखो, जिस्म इस्लाम एक है, नमाज उसका हाथ, रोजा उसका हाथ,
ये सारे अरकान हज ज़कात आज़ाए जिसमें इस्लाम है और मोहब्बत अहले बैत रूह है जिसमें इस्लाम है, रूह हटी जिसमें मुर्दा है, सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद रूह हटेगी जिस मुर्दा जिसम कह बाप मिट्टी है अब खाक है। और मैं इसीलिए एक बात और कहूंगा, तमाम इस्लाम अक्ल व दानिश का दीन है। कुरान ने कहा लअल्लकुम ताकिलून, शायद कि तुम अक्ल इस्तेमाल करो। मैंने इस पर अलग लिखा है इसलिए कि तकरीबन इस दो साल में हमारे पौने 300 250 पौने 300 मजामीन शाये हो चुके हैं। मैं भी पिछले जुमे में मैंने लिखा है, हर जुमे को शाये होता है। एक दूसरा सिलसिला चल रहा है जिसकी 34वीं किस्त कल शाये हुई है जुमे में, खुशी और गम, इस पर 18 किस्तें हो चुकी और उससे मुतालिक जो दूसरी वह 34वीं हो चुकी। 250 से ज़्यादा हमारे मजामीन 200 साल के अंदर शाये हो चुके हैं। उसमें मैंने इस बात को लिखा है जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा आप। इस्लाम अकल का दीन है। कुरान लअल्लहुम यतफक्करून, शायद के फिक्र इस्तेमाल करें। एक जुमले में बात जल्दी समझा दूं आपको, मैं अपने बच्चों को, सबसे बड़ी दौलत क्या है? इल्म। मैंने कई मजलिसों में इसको कहा है, जहां जहां मैं पढ़ गया, बनारस पढ़ गया वहां मैंने इस बात को कहा, आजमगढ़ वहां कह गया, मुख्तलिफ बस्ती यहां आपसे भी कह रहा हूं, यहां भी कई मजलिसों में कह चुका हूं, याद रखना इस मेंबर से आकर वो बात करो जो लोगों की समझ में आ सके। इजहार काबिलियत की जगह मदरसे हैं और अहले बैत के हुकूक के इजहार की जगह ये मेंबर है। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए मैं आपसे कहूंगा अकल, माशाल्लाह मुफक्किर हजरात हैं और आजकल हमारी बच्चियां भी बहुत ज्यादा इन चीजों पर नजर रखती हैं, वो भी इस बात को समझती हैं अच्छी तरह। मैं हटा दीजिए मैं देखूं तो, शुक्रिया बहुत बहुत सलाम है मनोज शक्कर, एक सलावत पढ़ो मैं। हमारे सामने एक बात अर्ज कर रहा हूँ खिदमत में कि जो सबके नज़दीक आया इल्म 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 इल्म, मैं एक लफ्ज़ बढ़ा के कहूँगा, वो कहता जा रहा हूँ हर जगह कह रहा हूँ, हमारी पूरी कौम की आलम इस्लाम में सबसे बड़ी हमारी कौम एक मुनफरिद कैफियत रखती थी। मुनफरिद क्या थी? इल्म का शौक सबको है, इल्म का ज़ौक भी सबको है और इल्म फैलाने के लिए बड़ी दरसगाहें यूनिवर्सिटीज और कॉलेज सब हैं। इल्म पर जोर देने में तमाम दुनिया है। मैं भी कहूंगा इल्म बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन आप सबसे सवाल है मेरा, खुद ये बताइए इल्म की दौलत क्या है? इल्म बहुत बड़ी दौलत, इल्म की दौलत क्या है? जहां तक मेरे नौजवान बच्चे सुन रहे हैं उसको समझें, इल्म बहुत बड़ी दौलत है मगर इल्म की दौलत ताक़ुल है, तफक्कुर है, फिक्र है। अगर फिक्र नहीं तो इल्म बेकार है। इल्म को गहराई तक ले जाने वाली शय फिक्र है और सतह पर फैल जाने वाली बात सिर्फ इल्म है। सतहियत हटाओ। और इसलिए इस्लाम सिर्फ इल्म की बात नहीं करता है, ताक़ुल और तफक्कुर और तदब्बुर की बात करता है। और इसलिए कुरान ने जगह जगह कहा है लअल्लकुम ताकिलून, शायद कि तुम अक्ल इस्तेमाल करो। लअल्लहुम यतफक्करून, शायद कि वो फिक्र इस्तेमाल करें। ये मैंने इसलिए कहा आपसे बीच में रहकर, अक्ल और फिक्र बात को तमाम करूं, अक्ल और फिक्र इल्म की दौलत है। अब आइए हम अपने हुजूर का एक कौल नकल करें।
जहां आपने फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया, है कि नहीं? सबको मालूम है। एक और कौन? हजरत उलमा अहले इल्म तशरीफ फरमा है, हमारे मोमिनीन सभी मुफक्किर हजरत हैं, हमारी कौम का यही शरफ रहा कि हम हमेशा अक्लो फिक्र के साथ इल्म लेकर चले हैं। ये शरफ है इस कौम का हर जगह। आइए दूसरा फिक्रा हुजूर का है, बस मैं बात तमाम करता हूं। अव्वलो मा खलक अल्लाहुल अक्ल, ये नहीं है कि अव्वलो मा खलक अल्लाहुल इल्म, ये नहीं है कि अल्लाह ने सबसे पहले इल्म पैदा किया, सबसे पहले अक्ल पैदा की। जब अक्ल होगी तभी तो इल्म समझ में आएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अकल होगी तो इल्म समझ में आएगा, और अकल होगी तो हर बात समझ में आएगी। अकल होगी नमाज भी समझ में आएगी, रोजा भी समझ में आएगा। नमाज रोजा तो सभी पढ़ते हैं, सभी रखते हैं, है कि नहीं? लेकिन एक नमाज बेसमझे पढ़ना वो बहुत से लोग पढ़ते हैं, एक नमाज समझ के पढ़ना वो कुछ लोग पढ़ते हैं। नहीं गया जहन आपका? जो समझ के पढ़ते हैं वो इमाम शाफी का कौल याद रखते हैं, मन लम सल्ले अलैकुम ला सलात लहू, अहले बैत रिसालत जो आप पर सलावत न पढ़े उसकी नमाज ही नहीं है। समझाने के लिए बात कर रहा हूं, एक सलावत पढ़े और मोहम्मद वाले बस। अक्ल व फिक्र तमाम जगह हमें पहले रहे, ताकुल तफक्कुर फिर आगे। हुजूर ने क्या फरमाया? अव्वलु मा खलक अल्लाहुल अक्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया। ये कौन है? मेरी आपकी अक्ल नहीं है, मुराद खुद ज़ाते रिसालत है। क्योंकि जितनी जगहों पर आपने अपने लिए फरमाया मैं, वहां पर ये भी है। सबसे पहले हुजूर की तखलीक के साथ अक्ल है। अब इसका मकसद ये हुआ कि जहां जहां दुनिया में अक्ल है वहां वहां हमारे हुजूर की नूरानियत शरीक है, और जब ये नूरानियत एतबार अक्ल शरीक है। बात तमाम कर रहा हूं। हुजूर ने क्या फरमाया? फातिमतो बज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा एक जुज्व बदन। जब मासूमा जुज्व बदन रिसालत है तो अब जुज्व अक्ल रिसालत भी है। पढ़िए सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद। जुज्व अक्ल रिसालत भी है, और जब हैं तो अब जहां जहां इस्लाम अक्ल वालों के लिए होगा हर जगह मरहमत मासूमा शरीक होगी। नमाज मासूमा, और इसलिए मैं अजान की बात करता हूं। कल मैंने डॉक्टर असद अब्बास साहब के यहाँ बहुत इसको दूसरे तरीके में अजान की बात को कहा था, यहाँ उसमें एक फिक्रा से पेश, जो वहाँ मैंने नहीं कहा है आपसे कहूँगा। हम लोग कायल हैं, ये मजमा कोई तानोतज नहीं है, तानोतज नहीं है, मैं नहीं करता तानोतज की बात, समझाने की बात, इफ़ाम और तफ़हीम की बात करता हूँ। अजान अल्लाह अकबर चार दफ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह दो दफ़ा, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दफ़ा, और फिर अशहदु अन्न अलियन वलीउल्लाह, ये भी इकरार हमारे यहाँ है। आगे बढ़कर एक फिक्रा और हम लोग कहते हैं, हय्या अला खैरिल अमल, और लोग नहीं कहते, ना कहे, हमें कोई इसरार भी नहीं है। लोग इस पर बड़ी नज़र डालते हैं कि अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, हय्या अला खैरिल अमल पर नज़र नहीं डालते। वाह
क्योंकि ये समझना भी अकल की बात है। सलावात पढ़ते जाए साथ साथ मोहम्मद वाले बुलंद आवाज से पढ़े तो मैं आप बात करूँ। हैया अला खैरे अमल क्या है आज की मजलिस बसी वो तमाम अशहदु अन्ना अली। हुजूर ने क्या फरमाया, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफो ना था। मैंने साबित किया एक मजलिस में इस पर तफसील से बयान किया था कि कहाँ कहाँ हमारी मासूमा की हमसरी अली मौला अली के साथ है। ये नहीं बयान किया था, ये आज बयान कर देता हूँ। अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह हम कहते हैं, हैया अला खैरिल अमल हम कहते हैं। ये क्या है, अजान में मौला अली का जिक्र है तो हमसर कौन है? मैंने कौले मासूम क्या देखा, जब लोगों ने पूछा मौला ये हैया अला खैरिल अमल क्या है तो फरमाया बर फातिमा व गुंदेहा। हजरत मासूमा की नेकी की तालीम देना, उनकी खैर और बरकत को बयान करना और उनकी औलाद की नेकी को बयान करना। जब हम अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहते हैं तो अली की अजमत का इकरार करते हैं, और हैया अला खैरिल अमल कहते हैं तो मासूमा की अजमत का इकरार करते हैं। सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ना भूलिएगा अजान को, एक और सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिक्र मासूमा अदान में है हैया अला खैरिल अमल के जरिए, और इसीलिए हम दोनों को बड़ी पाबंदी से कहते हैं, जो इन दोनों से दूर रहना चाहते हैं वो दोनों से अलग कर देते हैं। हमें नहीं लेना, इतराज नहीं, आप जो तय करें। और इसलिए दोस्तों अजीजों, वो मैं आपके सामने इतना कहूँगा, फजाइल हो चुके हैं मसाइब के तौर पर, हम इतना ही कह सकते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर, एक कथा, मेरा आज इरादा था कि मैं इसी कथे पर पूरी मजलिस पढ़ूंगा आपके सामने, जिक्र दूसरे छिड़ गए। जहाँ मरियम अज़यक नस्बत ईसा अजीज, इस पर जो यानी कितनों को याद हो गई, सभी को याद होगा। मरियम अज़यक नस्बत ईसा अजीज वस से नस्बत हजरत जहरा अजीज, नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमी, आ इमाम अव्वलीनो आखरी, बानुए अंताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। अल्लामा इकबाल बड़े बड़े अकबालियात पर, अभी भी मैं हमारे दोस्त जनाब कश्मीरी साहब मैं उनके सिलसिले में मैं कहीं बयान कर रहा था तो वहाँ पर मैंने इस बात को नकल किया था, हकीमुल उम्मत के रिसाले का इजरा था और उसमें मैंने इस बात को बयान किया था। अकबालियात पर लोगों ने बहुत कुछ कहा और बड़ी लोगों ने कोशिशें की, थोड़ा बदल दूँ थोड़ा सा रंग मजलिस आपकी दिलचस्पी के लिए, आपकी दिलचस्पी के लिए। एक मौके पर हम इराक में बगदाद में किसी काम से गए और मुझको साथ लेकर कौन गए, हमारे दोस्त अल्लामा तालिब जौहरी मरहूम, बहुत हमारा उनका साथ रहता था रोज कई साल तक। आए मेरा फला काम है आपके साथ बगदाद, चलिए चलिए। हम कभी बगदाद नहीं जाते थे सिवाय बहुत ज़रूरी काम के, शायद जब तक वहाँ तालीम हमने हासिल किए पाँच या छः दफ़ा ज़्यादा बगदाद नहीं गए। हाँ काजबैन जाने के लिए हमेशा गए, सामेराव काजबैन गए उनके साथ बगदाद। ये अलग से एक बात कह रहा हूँ, मैंने कहा क्यों आए हैं आप? वो फला एक तालिबे इल्म, उनका बहुत ज़रूरी काम है जो यह एक ऑफिस के अंदर है, वो अटका हुआ है, उसको कराना है। कैसे हो जाएगा? क्या आप देखिए भी तमाशा देखिए, आप बहुत पुरमजाक आदमी थे। वो मुझे लेकर गए, बैठ गए जगह,
जो ऑफिसर बैठा हुआ था वहाँ का, जो अरब ऑफिसर बैठा हुआ था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, मुझे अब याद नहीं कुछ कि वहाँ क्या है मामला। उसने बड़े एहतमाम से बिस्किट चाय ये वो बड़ा बड़ी खतरे की जनाब अल्लामा तालिब जौहरी की, इन्होंने वो काम बताया उसने फौरन कर दिया। हम बाहर उठ के हमने कहा ये मुजज़ा कैसे देख रहा हूँ कि भाई ये अरब आपका, हम काली पगड़ी वालों का बड़ा एहतराम करते हैं ये लोग, मगर आपकी सफ़ेद पगड़ी वालों का एहतराम नहीं करते, एहतराम इतना नहीं करते। आपकी बात बहुत सुन ली इसने, हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं की उसने, हमको पूछा भी नहीं कि आप कौन है। कहने ये जदीदियों में है, यानी वहाँ जो लोग जो हम लोग से ज़्यादा दूर रहते थे, आपकी इतनी इज्जत क्यों की, सुनेंगे आप। कहने लगे कि बात ये है कि ये अल्लामा इकबाल का बड़ा शहदाई है, और मैंने इससे एक मौके पर ये कहा था कि अल्लामा इकबाल के ख़ानदान का मैं हूँ, उसका फ़ायदा मैंने आज उठा लिया है, बता की बात। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इकबालियात, इकबालियात पर बहुत लोगों को बड़ी तवज्जो रहती है, और हम भी इसमें चाहते थे कि आज इसी पर पूरा बयान करें आपसे। नूर चश्मे रहमतुल आलमीन बच्चन लोजे आ इमाम अव्वलीन व आखरी, इन दो मिसरों के लिए जहमत दे रहा हूँ। नूर चश्मे रहमतुल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखरी, बानुए उन ताजदार हलता मुर्तदा मुश्किल कुशा शेर खुदा। और जब आप इन दो मिसरों पर गौर करें तो कितनी अहमियत है मादरे उन मरकजे परकारे इश्क, मादरे उन मरकजे परकारे इश्क, मादरे उन काफिला सालारे इश्क। यहाँ इश्क का मर्तबा क्या है, मुझे एक ईरानी शायर, एक ईरानी अदीब का एक फ़िक्रा याद आता है, एक ईरान के एक बड़े अदीब का एक फ़िक्रा है जिसमें उसने कहा है, फलक या कतरास दरियाए इश्क हस। इस रंग में मैं आपसे बहुत कम बात करता हूँ, फलक या कतरास दरियाए इश्क हस, जमी या जर्रास सहराए इश्क हस। ये पूरे आसमान जितने हैं ये इश्क इलाही के समंदरों का एक कतरा है, और जितनी जमीन के सहरा के जितने जर्रात हैं ये सब इश्क इलाही के सहरा का एक जर्रा है। जो इश्क की इतनी अजीम मंजिल पेश करता हो, फलक या कतरा दरिया इश्क, जमीन यक जर्रा सहरा इश्क, उस पूरे मंजर को सहज लेके अल्लामा इकबाल का फारसी में बड़ा कलाम है, बांग दरार बाले झीरी वगैरह, तो आप बहुत वो अल्लामा इकबाल, मादरे उन मरकजे परकारे इश्क, मादरे उन काफिला सालारे इश्क। रसूल की तारीफ हो चुकी, किसकी बेटी है सैयदा मरियम, तो एक हजरत ईसा की नस्बत, हजरत जहरा की नस्बत, रसूल ये, अली ये, अब दोनों बेटे, एक वो है जो इश्क इलाही का जब प्रकार घुमाओ पूरी कायनात में तो उसका मरकज, और सारे काफिले दुनिया में जितने चल रहे हों इश्क इलाही के रास्ते पर उन सबका काफिला सालार, एक का एक की नुमाइंदगी हसन कर रहे हैं, एक की नुमाइंदगी हुसैन कर रहे हैं, और इन दोनों की मादर गिरामी सैयदा सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजाने गिरामी बहुत वक्त लिया माजरत के साथ, लेकिन आखिरी फिक्रा क्या है, मादरे उन काफिला सालार इश्क, किसकी माँ है जिसने सारी दुनिया को बतलाया कि मोहब्बत इलाही क्या होती है,
जिसने सारी दुनिया को समझाया। फिर मुझे यहाँ पर एक और बुजुर्ग का एक फिक्रा याद आ गया है। हमसे आपको ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलेंगी, लेकिन वक्त नहीं है, जिंदगी भी अब आखिरी दौर में है। चंद लफ्ज़ें आपसे और कह लूँ। अजीज़म मौलाना सफ़ी हैदर साहब के मामू हमारे बहुत बुजुर्ग थे, जिन्होंने तंजीम मकातिब को कायम किया, जनाब मौलाना गुलाम अस्करी साहब का बना, अपने दौर के बेपनाह खतीब, खतीब आज़म उनका तो उनका लकब भी था, खतीब आज़म या मौलाना गुला मौलाना आसिफ तहसन साहब का बना, या जनाब मौलाना औलाद हुसैन लल्लन साहब का बना, और या खुद जनाब मौलाना गुलाम अस्करी साहब का बना। उनका फिक्रा है, दुनिया और देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को अगर समझना हो तो करबला में आके समझो। मौलाना गुलाम अस्करी साहब का फिक्रा, करबला के सहरा में आके समझो, कौन दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर सकता है। जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और है, और अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना और है। करबला के सहरा में इमाम हुसैन ने अपने खून से, अपने घर वालों के खून से जो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, वो क़यामत तक मिटाया नहीं जा सकता। खून है हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह। खून है अली अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। खून है अबुल फजल अब्बास, ला इलाहा इल्लल्लाह। कटे हुए शानों से ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ दोस्तों, और इसलिए इसलिए हमारी और आपकी शहजादी बाबा की गोद में अपने बेटे को देखा, देखा रसूल कभी आसमान को देखते हैं, कभी अपनी गोद को देखते हैं। आसमान पर मुहर्रम का चांद चमक रहा है, आगोश में फातिमा का चांद, देखा रसूल की आंखों में आंसू, पूछा बाबा ये आंसू क्यों? बेटी मैं देख रहा हूँ तेरा ये बेटा बड़े जुल्म सितम से शहीद कर दिया जाए, तो इतना पूछा बाबा, फिर मेरे लाल पर रोएगा कौन? बेटी अल्लाह एक उम्मत को पैदा करेगा, और इस रवायत में भी औरतों का लफ्ज़ पहले है, तब की ना निसा हम अला निसाए, जिसकी औरतें इसकी औरतों पर रोएंगी, जिसके मर्द इसके मर्दों पर रोएंगे। कोई फरमाइश नहीं कि बाबा दुआ कर दीजिए कि मेरे लाल पर ये वक्त ना आए, ये तमन्ना रोएगा कौन? वही सैयदा, वही मासूमा, जब दुनिया से उठने का वक्त आया। कल जब मैंने वहां मसाइब पढ़े तो उनमें से एक फिक्र आपसे कहूंगा। चार चीजें मैंने कल वहां बयान की थी, कल की मैं शब में, जो हजरात वहां रहे हो या उसमें क्या एक फिक्र खाली। सब लोग जब मसाइब हजरत मासूमा पढ़ते हैं सुनते हैं तो हम सिर्फ उन मसाइब तक रहते हैं जो जनाब मासूमा से मुतालिक हैं। लेकिन मैंने कल ही अर्ज किया, यहां भी कहूंगा, शहजादी की मुसीबत जब याद करो तो उसको न भूलो जो सैयदा के जाने के बाद बहुत तन्हा रह गया, और वो कोई और नहीं, मेरे और आपका मौला अली। ये मेरे जहन में आई कहाँ से वो मैं तारीख के रवायत जज्बातियत में कोई बात नहीं कहता हूँ, जो बात कहूँगा पस मंजर में कोई ना कोई वाकया तारीख आयत हदीस होगी। क्या हुआ? मौला अली मस्जिद में है, पैगाम पहुंचा, आपको बिनते रसूल ने याद किया है, आए। मेरी आपकी शहजादी बिस्तर अलालत पर इस हालत में है कि गोया आखिरी हालत है। अली सरहाने बैठ गए, जिस फिक्रे के लिए जहमत दे रहा हूँ, अली सरहाने बैठ गए। फिक्रा सुनिएगा आप, बहुत देर तक याद रखेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि मासूमा से मुतालिक मसाइब भी हो, लेकिन अपने मौला को भी याद रखें। हम आए बैठ गए, शहजादी ने देखा, पहला सवाल ये था, अबुल हसन
मेरे आपके साथ में कभी आपने मुझसे कोई कोताही तो नहीं पाई? क्या अंदाज है? जवाब में मौला अली ने जो कुछ फरमाना था फरमाया। अब दूसरा फिकरा है, या अली मेरे पास आसमानी पैगाम आ गया है, मैं आपसे जुदा होने जा रही हूँ, जुदाई का वक्त आ गया है। उनके अल्फाज मिनवान नकल नहीं कर पा रहा हूँ, आसमानी पैगाम आ चुका है, ख्वाब देख लिया है, अब मैं आपके साथ बहुत थोड़े वक्त तक हूँ, अब जवाब सुनेंगे आप? इस जवाब के लिए जहमत दे रहा हूँ, आगे चंद लफ्ज और कहूँगा। मौला अली ने सुना, तारीख ने लिखा, आंखों में आंसू आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, साबिर इमाम, मौला अली से बढ़कर साबिर इमाम कौन होगा जिसने 13 साल मक्के में रसूल का साथ दिया, फिर 10 साल मदीने में साथ दिया, फिर उसके बाद से अब तक कितने मौके पर साथ दिया, वो अली सब्र मुकाबलत की मंजिल पर। लेकिन मैंने किसी जगह तारीख में नहीं देखा कि अली की आंखों में आंसू आए हों। हजरत हमजा की भी शहादत सुनी तो जबान पर था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कुरान का फिकरा बन गया। सजदा शुक्र अदा किया जब रसूल की जिंदगी के लिए शब हिजरत सुना। वो अली जैसे ही सैयदा से सुना, आखिर वक्त है, ऐ अबुल हसन बाप से मेरा साथ छूटने जा रहा है, आंखों में आंसू आए। फिकरा सुनिएगा आप। एक मरतबा फरमाते हैं, ऐ बिनते नबी, आज ऐसा लगता है कि मुझे फिर से जैसे रसूल की वफात का वक्त सामने हो। आगे का फिकरा, ऐसा लगता है जैसे आज फिर से रसूल की वफात का वक्त आया हो। और यह फिकरा बड़ा कीमती है, सैयदा ये बताइए, आपके जाने के बाद अली को तसल्ली देने वाला कौन होगा? इसलिए क्या अली सबको तसल्ली देंगे, अब अली को तसल्ली देने वाला कौन होगा? ये जिंदगी का साथ था जो सैयदा से अली को हासिल था। हाँ, वक्त आया कि सैयदा ने वसीयतें की, वसीयतें की, शब के अंधेरे में, इस ताबूत में ये लोग होंगे शरीक, ये शरीक नहीं होंगे, ये निशाने कब्र वो ना हो, ये जो बिनते उमैस ने कहा उस तरह सब कुछ हो। सारी वसीयतें सैयदा ने कर ली, और फिर वो वक्त भी आया कि मेरा और आपका साबिर इमाम वसीयत मासूमा के मुताबिक गुस्ल दे रहे हैं, कफन पहना रहे हैं। जब सारे काम कर चुके, जब सारे उमूर मौला ने अंजाम दे लिए, अभी बंदे कफन बांधे नहीं है कि एक मरतबा चीख मार कर रोए। जब बाहर निकले तो किसी ने पूछा, मौला आप जैसा साबिर इमाम इस तरह चीख मार कर रोए? जवाब दिया, जो मैंने पहलू सैयदा पर निशान देखा, कैसे इस तरह से आंखों में आंसू आए। आवाज दी, ऐ उम्मे कुलसूम, ऐ ज़ैनब, ऐ फिज़ा, ऐ हसन, ऐ हुसैन, आओ अपनी माँ से रुख्सत हो लो। एक एक आया, सब ने रुख्सत होना शुरू किया। वो मैं आखिरी कलाम में इतना कहूँगा, मौला अली आपने सबको बुला लिया कि आकर अपनी माँ से रुख्सत हो लें। हाँ, यही ज़ैनब, यही उम्मे कुलसूम करबला है, आई है, बेटा सीधे सज्जाद गश से आके खोलो, देखा नोके नैजा पर सरे हुसैन, वाह हुसैना, वाह हुसैना, की आवाज है बुलंद। सलाम अल्लज़ीन ज़लमू व यौम तलब यंक़लिबू अला अत्वलिहिम। रब हक मोहम्मद आए तमाम शुरुआत मजलिस को दिली शरी मकासिद में काम कर दिया, हम सब को राय हक पर साबित कदम रख, जोर हजरत पिताजी फरमा आज मौला बाग साया हमारे सरवर बाकी रहे।
तमाम मोमिन मोमिनात।